उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि 4 मई से हरिद्वार को छोड़कर सभी जिले खुल सकेंगे, लेकिन मॉल, जिम, सिनेमा हॉल, स्कूल, स्विमिंग पूल ये सब बंद रहेंगे। सरकारी दफ्तर कहीं पर 50% के हिसाब से खुलेंगे। 4 तारीख से हमारे हरिद्वार को छोड़कर के सभी जिले हमारे खुल सकेंगे। डिटेल जानकारी आपको अखबारों से मिलेगी। मॉल हैं, जिम हैं, सिनेमा हॉल हैं, स्कूल हैं, जो हमारे स्विमिंग पूल हैं, ये सब बंद रहेंगे, लेकिन बाकी गतिविधियां संचालित होंगी। जो सरकारी कार्यालय हैं, कहीं पर 33% के साथ खुलेंगे, कहीं पर 50% के साथ खुलेंगे, और जो ग्रीन जोन है वहां पर खुलने की छूट है, लेकिन हम उनको भी अभी पूरी तरह नहीं खोलने वाले हैं। उनको एक सर्टेन परसेंटेज में, जो बहुत ज़रूरी, जिन सरकारी कार्मिकों का ऑफिस में रहना जरूरी है, फर्स्ट फेज में हम उनको बुलाएंगे। जानकर आपको हैरानी होगी कि अकेले दिल्ली से उत्तराखंड लौटने के लिए 26,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन संक्रमित मरीजों को देहरादून, हल्द्वानी और उधम सिंह नगर में ही रोक लिया जाएगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बसों के जरिए सारे लोगों को लाना संभव नहीं है, इसलिए ट्रेन की बात हो रही है। इसे 26,000 से ज्यादा लोगों ने अभी तक अपना पंजीकरण कराया है, और आप सब समझ सकते हैं कि हमको उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं करनी होंगी। जो भी व्यक्ति बाहर से आएगा उसका स्क्रीनिंग होगा, उसका बुखार आदि, उसका सारा रिकॉर्ड रखा जाएगा, और जो संक्रमित होंगे उनको हम यहीं हरिद्वार, देहरादून, हल्द्वानी या उधम सिंह नगर में वहीं रोक लिया जाएगा। जिस पर भी ऐसे संक्रमण की संभावना होगी उसको बिल्कुल भी उसके घर पर नहीं भेजा जाएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो लोग आने वाले हैं उनके लिए हमारी रेल की हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि बसों से इतने लोगों को ला पाना संभव नहीं है, तो कुछ जगहों पर बस भी जाएंगी, वो कल से ही, सुबह से ही ये काम प्रारंभ हो जाएगा। जो पहाड़ के लोग पहाड़ में ही हैं या एक दूसरे ज़िले में हैं उत्तराखंड के अंतर्गत, उनको भी हमने परमिशन किया है कि वो अपने गांव जा सकते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पिछले 24 घंटे में अपने घर लौटने के लिए 85,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने अंतरराज्यीय जो लोग कैंपों में रह रहे हैं या अन्य लोग हैं, उनको अब प्रवास की छूट दी है, और पिछले 24 घंटों में लगभग 85,000 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है अपने गांव की तरफ लौटने के लिए। ये हमारे लिए एक बहुत जिम्मेदारी का काम आज मिल गया है।